शुक्रवार शाम शहर के मूलचंद मार्ग पर कुछ युवकों ने साधु की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष ने देर रात तक पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बताया जा रहा है, वायरल वीडियो में पिटाई कर रहे युवक कथित साधु पर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे थे। वीडियो मूलचंद मार्ग पर बने शौचालय के बाहर का है। सड़क के बीचों बीच साधु की पिटाई की जा रही थी। ये घटनाक्रम काफी देर तक वहां चलता रहा। इसे देखने लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और ना ही किसी पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। बताया जा रहा है, साधु का नाम कमल दास है और वो वर्तमान में मुक्तिधाम में रहता है। मारपीट का वायरल वीडियो पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद अब SP सूरज कुमार वर्मा के निर्देश पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा स्वतः ही मामले को संज्ञान में लेकर जिले के जावत थाने में उपरोक्त तीनों युवकों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। शाम को की घटना है ये और रात में करीब ये वीडियो वायरल हुआ था। तो हमारी एक आसूचना संकलन वाली एक टीम रहती है जो वीडियो पर निगाह रखती है। उन्होंने हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब को अवगत कराया कि इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। तो साहब के निर्देश पे तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लिया और जो है उसको वीडियो में दिखे हुए व्यक्तियों की हमने शिनाख्त की है, जिसमें ब्लू टी शर्ट वाला जो है वो राजा पिता प्रदीप कंडारा है, जो अठाना का रहने वाला है। जो ब्लैक टोपी कान में बाली पहने हैं वो कमल पिता बंसीलाल कंडारा है, हरजन मोहल्ला जावत का है। और एक जो व्यक्ति है ब्लू टी शर्ट वाला वो राजा पिता प्रदीप है और ब्लैक टोपी कान में बाली वाला कमल पिता बंसीलाल है। तो इस तरह हमने तीनों को शिनाख्त कर लिया है, प्रकरण कायम कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।